नमस्कार, जनप्रभात सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तुर्की में 7.8 तीव्रता के भूकंप से सीरिया तक कांपी धरती। आपदा में 1300 से ज्यादा की गई जान, हजारों लोग घायल। भूकंप के बाद मचे हाहाकार के बीच चारों ओर बिखरे हुए थे 100 हजारों इमारतें जमींदोज। फंसे लोगों को निकालने का कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप की घटना पर जताया गहरा दुख। घायल लोगों के लिए की जल्द स्वस्थ होने की कामना। भूकंप से तबाह तुर्की की तरफ भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। जल्द भेजी जाएगी राहत सामग्री। पीएमओ में हुई बैठक। भारी हंगामे के चलते तीसरी बार टला दिल्ली मेयर का चुनाव। फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा गया। मेयर चुनाव टलने पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बोला हमला का दिल्ली को मिला भ्रष्ट मुख्यमंत्री। शराब घोटाले में भी नाम। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर लगाया आरोप। कहा एमसीडी में बिना बात हंगामा कर रहे बीजेपी के पार्षद। पीएम मोदी ने ट्विन कुक टॉप मॉडल का किया अनावरण। कहा देश में दिनों दिन बढ़ती जा रही है ऊर्जा की जरूरत। पीएम मोदी बोले 2022 में भारत रहा एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट। बेंगलुरु टेक्नोलॉजी टैलेंट और इनोवेशन की एनर्जी से भरा शहर। पीएम ने तुमकुरू में सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का किया उद्घाटन। कहा जनजीवन मिशन के लिए 20,000 करोड़ बढ़ाया बजट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में रैली को किया संबोधित। बोले टिपरा मोथा की कांग्रेस और माकपा के साथ गुप्त सहमति। हवाई जहाज उतरने लायक बनाई जाएंगी देश की 26 सड़कें। गडकरी बोले ऑटोमोबाइल सेक्टर में आएगी 4.5 लाख नौकरियां। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। पुरानी पेंशन योजना 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान। अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर कांग्रेस का देश भर में हल्ला बोल। SBI LIC दफ्तरों के बाहर किया प्रदर्शन। राहुल गांधी ने अडानी मामले को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। बोले संसद में चर्चा हो कि अडानी के पीछे कौन शक्ति कर रही काम। CJI ने सुप्रीम कोर्ट के 5 नए न्यायाधीशों को दिलाई शपथ। अब शीर्ष अदालत में कुल जजों की संख्या बढ़कर हुई 32। जातिवाद पर मोहन भागवत के बयान पर विपक्ष ने बोला हमला। संजय राउत ने कहा पहले सत्ता में बैठे लोगों को समझाइए। मोहन भागवत के जातिवाद के बयान पर संघ ने दिया स्पष्टीकरण। का पंडित का अर्थ विद्वान है, इसकी कोई जाति नहीं। अडानी मामले को लेकर विपक्ष का संसद में जोरदार हंगामा। जांच के लिए संसदीय कमेटी बनाने की उठाई मांग। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लगाए कई गंभीर आरोप। का मोदी सरकार का बजट गरीबों पर गुपचुप स्ट्राइक। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर 2 आरोपियों पर रासुका। गिरफ्तार अन्य तीनों के खिलाफ भी जल्द होगी कार्रवाई। कंगाल पाकिस्तान की IMF की शर्तों ने बढ़ाई मुश्किल। नए सिरे से टैक्स लगाते हैं तो देश में हालात बिगड़ने का खतरा। जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की नापाक कोशिशें कर रहा पाकिस्तान। सोशल मीडिया का सहारा लेकर घुसपैठ कराने की रच रहा साजिश। कश्मीर एकजुटता दिवस पर कई कार्यक्रम किए गए आयोजित। साइबर पुलिस ने सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट किए ब्लॉक। गुवाहाटी में व्हेल मछली की वोमिटिंग बेचने के गिरोह का भंडाफोड़। करीब 27 करोड़ रुपए कीमत का 12 किलोग्राम पदार्थ बरामद। मुंबई में कुत्ते के काटने के मामले में मालिक को 3 महीने की कैद। 12 साल बाद अदालत ने व्यवसायी को सुनाई सजा। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर स्पीड ब्रेकर पर उछला तेज रफ्तार ट्रक। चपेट में आए होमगार्ड जवान को 100 मीटर तक घसीटा। ट्रेन में व्हाट्सएप से भी ऑनलाइन खाना मंगा सकेंगे यात्री। ई कैटरिंग सेवाओं को ग्राहक केंद्रित बनाने की दिशा में मिलेगी मदद। पंजाब के बटाला में पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या। कार में आए 7 हमलावरों ने स्वर्ण सिंह पर की अंधाधुंध फायरिंग। जोशीमठ के प्रभावितों से मिले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। बोले हाईकोर्ट में मजबूती से रखेंगे स्थानीय निवासियों का पक्ष। दशाओं की वजह से पता लगा रहे IIT रुड़की के वैज्ञानिक। मिट्टी की जांच के लिए विशेषज्ञों ने 11 जगह से लिए सैंपल। शशि थरूर ने भारत सरकार की वैक्सीन नीति को बताया अच्छा। बोले ये मेरी व्यक्तिगत राय, इससे पार्टी का नहीं है कोई लेना देना। भारतीय विदेशों में अमेरिकी दूतावासों से ले सकेंगे वीजा अपॉइंटमेंट। नए नियम से अमेरिका जाने वालों के आवेदनों के निपटारे में आएगी तेजी। अब तक आधार सेवाओं से जुड़े 48 करोड़ पैन धारक। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक आधार पैन लिंक को किया अनिवार्य। चीन में 10 साल में आधी रह गई शादी करने वालों की संख्या। तनाव भरा जीवन, महंगी शादी और घरों का महंगा होना बना कारण। शादी के 2 महीने बाद तलाक देने वाले पति को देना होगा गुजारा भत्ता। हाईकोर्ट ने कहा तलाक के बाद भी महिला भरण पोषण की हकदार। कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया ने मोटोरोला के साथ किया करार। 5G संपर्क बढ़ाने के लिए साझेदारी निवेश बढ़ाने को राजी हुई कंपनियां। टेक्निकल गार्डन के पास चलती बाइक से युवती से लूटपाट का प्रयास। बदमाशों द्वारा धक्का दिए जाने के बाद गंभीर रूप से घायल हुई युवती। गिरवी शेयर छुड़ाने के लिए 111 करोड़ डॉलर का भुगतान करेगा अडानी समूह। अडानी पोर्ट्स ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन के हैं शेयर। कांग्रेस विधायक ने विधानसभा के प्रवेश द्वार पर दिया धरना। पेट्रोल डीजल पर बिक्री कर लगाने के विरोध में प्रदर्शन किया तेज। मोहन भागवत के बयान पर अखिलेश यादव ने संघ पर साधा निशाना। बोले भागवत ये स्पष्ट करें कि जाति वर्ण को लेकर क्या है वस्तु स्थिति।
राजस्थान में 17 फरवरी से शुरू होगा 3 दिवसीय सांभर महोत्सव। पर्यटन की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए बनाई योजना। पाक के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान को दी चेतावनी, बोले नए सिरे से विरोध प्रदर्शन किया तो होगी गिरफ्तारी। पंजाब हरियाणा में न्यूनतम तापमान में वृद्धि से ठंड से मिली थोड़ी राहत, सामान्य से 6 डिग्री अधिक 12 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। रूसी राजदूत अली पोव ने भारत को बताया विश्व में बड़ा साझेदार, कहा हम भारत के साथ रिश्तों में लाना चाहते हैं विविधता। बुलंदशहर पहुंची यूपी की ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, कलेक्ट्रेट में अफसरों के साथ योजनाओं की समीक्षा कर दिया निर्देश। गौतम अडानी मामले को लेकर बुलंदशहर में कांग्रेस का प्रदर्शन, घोटाले का आरोप लगा SBI शाखा के बाहर किया प्रदर्शन। मोतिहारी के मच्छरगांवा पंचायत पहुंचे मद्य निषेध मंत्री, सीएम नीतीश की समाधान यात्रा को लेकर कार्यों का लिया जायजा। दानिश को मुजफ्फरपुर स्थित उसके घर लेकर पहुंची NIA की टीम, बड़े नेता की हत्या और राम मंदिर को उड़ाने की साजिश में था शामिल। NIA की टीम को छापेमारी के दौरान हाथ लगा बड़ा सबूत, दानिश के घर से साजिश रचने का वीडियो किया बरामद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।